आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। बेसिक एंट्री की आज हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से रिलेटेड वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। वीडियो शुरू करने से पहले हम जनरल वाउचर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। जिस एंट्री में ना कैश आए, ना कैश जाए, ना सेल्स हो और ना ही बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री हो, तो बाकी एंट्रीज़ को हम जनरल वाउचर में करेंगे। जनरल वाउचर के लिए F7 की जो है वो रिज़र्व है, मतलब आप जैसे ही F7 की प्रेस करेंगे तो आपका जो जनरल वाउचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, राम को 1000 रुपये का माल वापस किया। श्याम ने 800 रुपये का माल वापस किया और 6000 का माल चोरी हुआ। तो ये थे इसके एग्जांपल्स। अब हम बढ़ते हैं आगे एंट्रीज की तरफ। तो हमने यहाँ पे टैली प्राइम ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जो आपको वाउचर दिख रहा है ट्रांजैक्शंस के जस्ट नीचे, इसमें आपको एंट्रीज करनी है। तो इस पे जाने के लिए आपको वी की प्रेस करना होगा। वी की प्रेस करते ही आप वाउचर्स में एंटर हो जाएंगे। वाउचर्स में एंटर होने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आया होगा। अब आपको F7 की प्रेस करके जनरल वाउचर को एक्टिवेट करना है। तो आप जैसे ही F7 की प्रेस करेंगे तो जनरल वाउचर आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी पहली एंट्री की तरफ, जो कि है गुड्स रिटर्न फ्रॉम साहिल वर्थ ₹5,500। मतलब साहिल से 5500 का माल वापस आया। मतलब हमने कोई साहिल को माल बेचा होगा हमारे डेटर को, तो उसकी तरफ से माल वापस आया। तो एंट्री हुई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट। 5500 से एंट्री होगी हमारी। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे, जैसे जनरल वाउचर आपने एक्टिवेट किया, डेबिट कॉलम फर्स्ट आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा 5500 से, डेबिट बैलेंस 5500। एंटर प्रेस करेंगे, नीचे क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट के सामने आएगा साहिल अकाउंट। तो साहिल का तो हमने लेज़र बना नहीं रखा, चलो हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट प्लस सी आप जैसी की प्रेस करेंगे तो ऑल्ट प्लस सी से आप एक लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने लेज़र क्रिएशन का एक इंटरफेस आ गया होगा। तो यहाँ पे नेम में आप लिखेंगे साहिल अकाउंट, अंडर में आप इसको ग्रुप देंगे सन्डरी डेटर का, आपके सामने राइट हैंड पे एक लिस्ट आ रही होगी, इसमें से आपको सन्डरी डेटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करते चलना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए साहिल अकाउंट आ चुका है, क्रेडिट बैलेंस 5500 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे आप, नरेशन अगर आप मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम साहिल। एंटर प्रेस करेंगे और आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप आपको फर्स्ट एंट्री समझ में आई होगी कि जनरल वाउचर में एंट्रीज हम कैसे कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी एंट्री की तरफ, जो कि है गुड्स रिटर्न टू राजेश वर्थ ₹6,800। मतलब राजेश को 6800 का माल वापस किया। मतलब हमने कोई राजेश से माल ख़रीदा होगा तो हमने, हमारे पास 6800 का माल ख़राब आया होगा तो हमने उसको वापस कर दिया। तो एंट्री बनी राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6800 रुपये। तो एंट्री करेंगे, यहाँ पे डेबिट में आएगा राजेश, इसका भी हमने लेज़र बना नहीं रखा है, तो हम ऑल प्लस सी की मदद से लेज़र क्रिएट करेंगे एक राजेश अकाउंट का। हमने इससे माल ख़रीदा तो ये हमारा हुआ सन्डरी क्रेडिटर। एंटर प्रेस करते चलना है और इस लेज़र को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। डेबिट बैलेंस में आ जाएगा 6800 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट में आ जाएगा परचेज रिटर्न, क्रेडिट बैलेंस 6800 रुपये।
एंटर प्रेस करना है, नरेशन में आप नरेशन मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राजेश, क्योंकि हमने माल उसको लौटाया है, तो टू राजेश आ जाएगा। एंटर प्रेस करना और ऐसे एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। आई होप दूसरी एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं तीसरी एंट्री, तो गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट रुपीज 8000, मतलब 8000 का माल चोरी हुआ है। जब माल चोरी होता है तो वो लॉस बाय थेफ्ट होता है कंपनी के लिए, तो एंट्री बनी हमारी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। माल चोरी हुआ है तो नीचे आएगा परचेज, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8000 रुपये। तो एंट्री हुई डेबिट में आ जाएगा लॉस बाय थेफ्ट। अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा है तो अच्छी बात है, लॉस बाय थेफ्ट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डेबिट बैलेंस 8000 रुपये, एंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में आ जाएगा परचेज, क्रेडिट बैलेंस 8000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे आप, नरेशन आप मेंशन करना चाहें लॉस बाय थेफ्ट, बीइंग लॉस बाय थेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी फोर्थ एंट्री हुई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10000 रुपीज, मतलब 10000 का माल आग से नष्ट हो गया। द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ रुपीज 8000, बीमा कंपनी ने 8000 का दावा स्वीकार किया है। तो हमारी एंट्री जो बनी वो बनी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी ने दावा स्वीकार करा है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हमारा माल जला है तो टू परचेज आ जाएगा, तो अमाउंट बनेगा 2000, 8000 और 10000, क्योंकि हमारा टोटल माल जला है 10000 का, तो टू परचेज में आ जाएगा 10000। इंश्योरेंस कंपनी में कंपनी ने उस 10000 में से 8000 का दावा स्वीकार किया है, तो 10-8 बचे 2, तो 2 का माल हमारा जल गया, नष्ट हो गया। तो एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, डेबिट बैलेंस 2000 रुपीज़। एंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट को हम डेबिट में लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8000 रुपये और क्रेडिट में आ जाएगा परचेज, क्रेडिट बैलेंस 10000 रुपये। आई होप एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, लॉस बाय फायर अकाउंट 2000 रुपये डेबिट बैलेंस, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 8000 डेबिट बैलेंस और परचेज क्रेडिट बैलेंस 10000 रुपये, क्योंकि टोटल माल जो हमारा नष्ट हुआ है वो हुआ है 10000 का, जिसमें से 8000 कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया है, तो हमारा टोटल नष्ट हुआ है 2000 का। तो आप एंटर प्रेस करेंगे और नरेशन देना चाहें दे सकते। और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोई भी चीज़ ऐसी हो इस वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।